आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। आप तो मुझे इतने अच्छे से कन्विंस किया मिस्टर भल्ला कि अब मैं ये डील आपके साथ ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ बस एक बात है, एक्चुअली मैं हॉरस को उसमें काफी यकीन करता हूँ। बिजनेस डील्स मेरे लिए वैसे ही है जैसे कोई शादियाँ होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल शादी की तरह आपकी और हमारी कुंडली मिलाई जाए, इसलिए मैं पंडित जी को हमेशा साथ रखता हूँ। देखिए कुंडली देखने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हम आपके साथ बिजनेस डील करेंगे या नहीं। With all due respect, Mr. Vadhva, मैं इन सब बातों में यकीन नहीं रखता। I believe in hard work and performance, लेकिन ना किसी और की फीलिंग्स को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। आप अगर कुंडली मिलाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन हम में से कोई आमतौर पर अपनी कुंडली लेकर नहीं घूमता, तो really sorry। कोई बात नहीं, आप अपने जन्म की तारीख और समय दे दीजिए। 23rd November 1970। अरे वाह, सुबह सुबह दोनों कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। ये हुई ना बात, वेरी गुड। ऑफिस? भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी वो वाघवा ग्रुप के साथ मीटिंग थी। आपको पता है उसका ओनर कितना वियर्ड आदमी है ना, उससे तो मैं डील कर नहीं सकता। तो अच्छा आप ही करो, है ना नीलू? रमन वास्ते भी नाश्ता लगा दे। चलो भाई नाश्ता कर लें, लंबा दिन है आगे। ये मुरुगन रमन को शक्ति देना, उन्हें अपना सम्मान बनाए रखने में उनकी मदद करना। रमन का रुतबा और सम्मान इसी से जुड़ा है और वो उसे वापस मिलेगा। I'm really happy for him. मैं उसके इस फैसले से बहुत खुश हूँ। And all thanks to Ishu. वो रमन के नस नस से वाकिफ है। सच कहते हैं, behind every successful man there is a woman. Absolutely. और अब मैं समझा, तुमने सुबह सुबह शगुन से ये ब्राउनीज क्यों बेक करवाई हैं? लाता हूँ अभी। Thank you so much, Mani uncle. शगुन मामा की ब्राउनीज ना। Best in the world. I agree. आज पापा का first day है ना office में, after a very long time. तो मैंने सोचा उनकी favorite brownies ले जाती। Lovely idea, Rui. अच्छा, शगुन ने sorry कहा है, उसे सूरजकुंड जाना था, NGO के काम से। ओह सूरजकुंड? That's really far. मैं निकलती हूँ, बहुत important meeting है office में. I just hope पापा इस deal को crack कर लें। Sure. All the best. Bye. Thank you so much. भाई मैं दो मिनट गाड़ी लगा देता हूँ, आप यहीं वेट करना। मैं इट्स ओके, प्लीज आप लोग काम कीजिए, रोमी आएगा, ही मैनेज। I'm really sorry भाई, वो पार्किंग नहीं मिली थी, इससे थोड़ा टाइम लग गया। I'm really sorry. या आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको नीचे उतारूंगा। हाँ वन सेकेंड, एक मिनट रुको। गार्ड, गार्ड, कोई भी नहीं यहाँ पर। बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ काम में होंगे। मैं ट्राई करता हूँ। सब क्या है ये? कब से आवाज मार रहा हूँ मैं तुम लोगों को, कहाँ हो तुम? ये सॉरी सर, हम ये प्लैंक ढूंढ रहे थे। लेकिन ये अचानक प्लैंक का आइडिया कहाँ से आया आप लोगों को? सर वो इशिता मैडम ने फोन करके बताया था कि सीढ़ियों पर प्लैंक लगाना है ताकि आपकी व्हीलचेयर आसानी से अंदर आ सके। भाभी कितना ख्याल रखती है आपका भाई। हाँ चल, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आप लोग काम कीजिए। थैंक यू। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग जब तक कुछ गलत नहीं होता हमारे साथ, हम अपनी लाइफ को कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, है ना? आज रियलाइज हो रहा है कि जिन लोगों के साथ हादसे होते हैं, जो फिजिकली चैलेंज होते हैं, वो अपनी जिंदगी कैसे जीते होंगे, डे टू डे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते होंगे यार। आज ये रैम, ये भाई हमारी गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है और जितने फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लगाई हुई है। लाइक एयरपोर्ट पे उनके लिए रैंप लगा दिया हुआ है,
और जो गवर्नमेंट बसेज होती हैं उनमें फ्रंट सीट जो होती है उनके रखी होती है, जहाँ पे अपनी व्हील चेयर वगैरह लगा सकते हैं। बहुत कुछ हो रहा है, वो कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? इंसान होने के नाते हमारे कोई फर्ज नहीं बनता है? एज अ सोसाइटी व्हाट आर वी डूइंग? ऑफिसेज में, सोसाइटीज में है फैसिलिटीज? ये तो आज मेरे साथ ही हादसा हुआ, इसलिए हमारे ऑफिस में रैंप लगा है। आज से पहले किसी को ख्याल आएगा? हमें गवर्नमेंट कर रही है, वो अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन इंसान के नाते हमारा भी तो फर्ज बनता है। पहली बात तो मैं प्रे करता हूँ कि किसी के साथ ऐसा कुछ हो ना, और अगर हो तो एटलीस्ट हम उनके लिए कुछ कर पाए। एंड आई प्रॉमिस यू, आज के बाद जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे ऐसे लोगों के लिए, नो मैटर व्हाट हैपेंस। और ये रैंप यहाँ से हटेगा नहीं? हटेगा। आदि के लिए डायपर और वाइप्स लेकर आनी है। हमारे जमाने में बहुत अच्छा था, बस लंगोट को धोया, सुखाया और फिर से बच्चे को पहना दिया। अरे मैं इतनी देर से बकबक कर रही हूँ, तुझे कुछ सुनाई भी दे रहा कि नहीं? सुना तो कुछ, क्या आप धोने सुखाने, सब्जी धोना सुखाना ना, मैं कर दूंगी मम्मी जी बाद में। हाँ हेलो, क्या क्रेडिट कार्ड बेचते रहते हो आप लोग? भैया नहीं चाहिए, प्लीज मत कॉल करना आप दोबारा। सॉरी मेरा ध्यान नहीं था मम्मी जी, आप बोलो क्या करना है। आप क्यों हंस रहे हो मुझ पे, क्या हुआ? कुछ नहीं मेरे बच्चे, मुझे कुछ याद आ गया। क्या याद आया? आओ यहाँ बैठो, बताती हूँ। पता है रमन जब छोटा था ना, पहली बार स्कूल गया, मैं उसे छोड़ने गई ना, तो वो जरा भी नहीं रोया, मगर मैं बहुत रोई थी। पता है क्यों? क्योंकि उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। तेरी हालत भी ना बिल्कुल मेरे जैसी हो रही है। कुछ भी? सुन देख, मुझे पता है तू रमन को लेकर परेशान है। आज वो पहली बार ऑफिस गया ना, वो कैसे काम कर रहा होगा, ठीक से कर पा रहा होगा या नहीं, और एक कॉल भी नहीं किया उसने सुबह से तुझे, है ना, इसीलिए परेशान है। पर तू फिक्र मत कर। फिक्र तो हो रही है मुझे, और काफी ज्यादा। दरअसल मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक से होना चाहिए, ऐसा कुछ ना हो कि वो दोबारा हताश हो जाए। मैं उन्हें डिप्रेशन में नहीं देख सकती। आई वॉन्ट हिम टू बी हैप्पी, मैं चाहती हूँ वो काम एंजॉय करें। तो मैं कैसे पता करूँ कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं? मैंने अगर कॉल किया तो उन्हें लगेगा कि मैं उनकी काबिलियत पे शक करती हूँ, जो कि है नहीं। बट तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ मैं? तेरी परेशानी का ना एक हल है मेरे पास। क्या? मिलो जी मम्मी जी। रमन का टिफिन लेकर आ। ले रमन का टिफिन, ऑफिस ले जा और उससे मिले जाकर। क्यों नहीं, पुराने स्टाइल का निकाला तरीका आपने। अरे खिलाड़ी भी तो पुरानी हूँ। खिलाड़ी तो हो, जाती हूँ मैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो पुराना खिलाड़ी है वो भी अपने बेटे से मिलना चाहता है? मैं सोच रही थी पता नहीं तू मुझे पूछेगी कि नहीं। पूछे आपकी बहू, बेटी थोड़ी पूछती है, बेटी ऑर्डर देती है। तो चलो मेरे साथ। सर कैन आई गेट यू समथिंग? कुछ चाहिए आपको? चाय, कॉफी, जूस? मेरा कुछ काम नहीं है, सुबह से हर 5 मिनट पूछे जा रही हूँ। सॉरी सर, मैं तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही हूँ। किसने दी इंस्ट्रक्शंस तुम्हें? इशिता मैम ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि मैं आपका हर चीजों का ख्याल रखूँ। एक ग्लास सुकून, 3 कप शांति चाहिए मिलेगी? जो चाहिए मांग लो, प्लीज जाओ अपना काम करो। थैंक यू। ओके। भाई मिस्टर वाधवा की टीम आ चुकी है, हमें मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा। चलो। रोमी मैं मीटिंग, मैं बहुत दिनों बाद ऑफिस आया हूं, आई हैव नॉट डन दिस फॉर अ व्हाइल, एंड टू फाइलें भी नहीं पड़ी मैंने। रियली भाई आपको पढ़ने की जरूरत है, डील क्रैक करने में आप प्रो हो। चलो चलते हैं और डील क्रैक करके आते हैं। हां लेकिन यार एक बार आप ये फाइल देख लो, सारे पॉइंट्स हैं इसमें और आपके सारे डाउट्स ना यू क्लियर हो जाएंगे। आप तो प्रो हो पापा। Thank you.
मिस्टर भल्ला, आपके जोक्स पे हंस के तो मेरे पेट दर्द होने लग गया है। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, आप तो मुझे इतने अच्छे से कन्विंस किया मिस्टर भल्ला कि अब मैं ये डील आपके साथ ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ बस एक बात है, एक्चुअली मैं हॉरस को उसमें काफी यकीन करता हूँ। बिजनेस डील्स मेरे लिए वैसे ही है जैसे कोई शादियां होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल शादी की तरह आपकी और हमारी कुंडली मिलाई जाए, इसलिए मैं पंडित जी को हमेशा साथ रखता हूँ। देखिए, कुंडली देखने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हम आपके साथ बिजनेस डील करेंगे या नहीं। With all due respect, Mr. Vadhva, मैं इन सब बातों में यकीन नहीं रखता। I believe in hard work and performance, लेकिन किसी और की फीलिंग्स को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। आप अगर कुंडली मिलाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन हम में से कोई आमतौर पर अपनी कुंडली लेकर नहीं घूमता, तो really sorry। कोई बात नहीं, आप अपने जन्म की तारीख और समय दे दीजिए। 23rd November 1970। रमन तो है नहीं कैबिन में, कहाँ गए? श्वेता भी नहीं है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, रमन कहाँ है? कैबिन में नहीं है वो? श्रीमान भल्ला जी, अति उत्तम योग, इसमें तो बुध आदित्य योग है, इसमें तो बिल्कुल संकोच ही ना करें कि ये प्रोजेक्ट आप दोनों के लिए बहुत ही लाभदायी सिद्ध होगा। हाँ एक बात और, बहुत शीघ्र ही आपके घर में कोई शुभ समाचार आने वाला है। शुभ समाचार कैसे? मतलब मैं समझ नहीं पाया। मान्यवर, आपके घर में शादी की शहनाई बजेगी। बुल्ले बुल्ले बुल्ले, ओ पंडित जी तुसी तो कमाल ही कर देता है। एक गल सुनो जी, तुसी एलो अपनी दक्षिणा। अब ये बताओ कि मेरी पोती है ना रूई, उसकी शादी कब होगी? अरे अतिशीघ्र देवी जी, अतिशीघ्र। हाँ सच्ची? जी जी। हाय शुक्र है माता रानी का। सॉरी हम लोग जाते हैं मम्मी जी, क्या करो? चलो माँ, माँ ये मीटिंग चल रही है। चलो ना मम्मी जी यहाँ से। नहीं नहीं इस भाभी आई विश्वास हो, ये मेरी वाइफ है डॉक्टर श्रद्धा भल्ला, शी इज अ डेंटिस्ट। हाय। एंड ये मेरी ये आपकी माता जी हैं। नमस्ते माता जी। सॉरी अजी, वो क्या है, मैं ना अपने पुत्र के कमरे में बैठनी है जाके। हैं जी, हम जाते हैं। सॉरी आप लोग को डिस्टर्ब किया। नो प्रॉब्लम। इश्ता आओ ना। मिस्टर वादा, ये सिर्फ एक डेंटिस्ट नहीं, हमारी कंपनी की पार्टनर भी हैं। आज सारे कॉन्ट्रैक्ट में साइन इसी के चलते। सो कांग्रेस मिस्टर भल्ला, हमारी कुंडली तो मिल गई है, अब मुझे इस बिजनेस डील को आगे बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू, एंड आई एम completely assuring you that hamari taraf se aapko 100% participation, 100% honesty and sincerity milegi. Let's shake hands for that. स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।